17 साल का है और उसने टेलीस्कोप बनाया है, लार्जेस्ट सिक्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन पाकिस्तान, और एक और माइक्रोस्कोप बनाया है 500 रुपए का, वो बेचते हैं। वॉच हिज वीडियो एंड इफ यू नीड हिज नंबर कॉन्टैक्ट मी एंड ऐड हिम ऑन फेसबुक। सो व्हाट वी डिड वाज ऑल दीज पीपल जो कि इन्होंने काम किया, सो इन्होंने किसी ने इनको हाईलाइट किया एंड आई वॉन्ट टू कनेक्ट दम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड आई वॉन्ट टू ब्रिंग देयर नॉलेज आउट इन द ओपन। इसी तरह आपके पास जो नॉलेज है पाकिस्तान को अच्छा देखना चाहते हैं, कितना अच्छा देखना चाहते हैं? व्हाट्स द बेस्ट? Better than anyone. We have got all the things in Pakistan. Even then, we have got no good deed. Okay, let's not talk about what we don't have. Let's talk about what we have. So, how do you want to look at it? रोड सही चाहिए, बिल्डिंगें चाहिए, बिजली चाहिए, गैस चाहिए, सब चीज चाहिए ना, और तो कुछ चाहिए, अच्छे लड़के चाहिए और अच्छे लड़के नहीं चाहिए, लड़कियाँ चाहिए, ओके, अच्छे पेरेंट्स चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, बच्चों चाहिए, बच्चों के लिए बच्चे चाहिए। सो कमिंग बैक टू व्हाट वी वांट, अगर अच्छा करना चाहते हैं तो पहले खुद अच्छे बने, अपने ख्वाबों को बुलंद करें, बड़े बड़े ख्वाब देखें और ख्वाब इतने बड़े देखें जितने आप रियलाइज कर सकते हैं, यानी कि उसको नज़र आ रहा है कि वो 1 मिलियन लोगों की हेल्प कर सकता है, मुझको नज़र आ रहा है मैं 1 बिलियन लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। तो अगर मुझे नज़र ही नहीं आ रहा होता, फर्ज करें मैं आपसे कहूँ चांद पर जाना है, इज दैट रियलिटी और अनरियलिटी? How difficult of a reality is? Acha, fast rewind 50 years, chand pe jana hai. Is that reality or fake? Fake, almost. Right, but still, it happened. At least in the movie, it happened. So, end of the day, ek aadmi 200 saal purane chal jaye. Ek aadmi kehta hai mujhe hawai jahaz banana hai ya udna hai. Reality or fake? Fiction. Very, very simple. Fiction. But now, reality. And it's a very common reality. 150 साल पहले एक और आदमी कहता है, घर तो घोड़े बहुत गंद करते हैं, बदबू आती है, let's make a card. Reality or fiction? So until you dream something crazy, does it become into reality? Yes, it still does, without dreaming, without imagining. How? So the point is, अगर आप में से 80% को ये नहीं मालूम कि आप अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहते हैं, तो कैसे रियलाइज करेंगे उसको, मटीरियलाइज कैसे करेंगे उसको? कहाँ जाएंगे? नाजमाबाद जाके घर बनाएंगे, क्रिप्टन में घर बनाएंगे, डिफेंस में घर बनाएंगे, कहाँ जाएंगे? कहाँ? You don't know. Step one of becoming a millionaire. Know what you want. अगर आपको 50 कमरे का घर चाहिए, 5 कमरे का घर चाहिए, 5 कमरे का अपार्टमेंट चाहिए, बैंगलोर चाहिए, जो भी चाहिए, जाएं और उसको देखें फिजिकली। किसी रियल एस्टेट वाले को कहेंगे मुझे एक 2000 गज का घर दिखा दो, कोई मना करेगा? आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ये उन लिस्ट में आ गया जो हम कर सकते हैं। देखा किसी ने जाके अपना 2000 गज का घर? देखा? ओके, गुड बॉय, इसका मिल जाएगा। तुम्हारा घर जो तुम्हें चाहिए, जैसा तुम्हें चाहिए? गुड बॉय। इफ यू कैन, इफ यू रियली वॉन्ट अ 2000 गज घर, स्टेप वन क्या है? गो, नो जाओ देख लो, थिंक अबाउट इट, इफ यू कांट इवन डू इट, बट इफ यू कैन गो एंड डू इट इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। सो स्टेप वन इज थिंक अबाउट इट, स्टेप टू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स इट एंड टेक अ स्टेप टुवर्ड्स इट, स्टेप थ्री okay, take a photo, put it on your room or your Facebook or your info. Why do I say Facebook? Because everybody here is on Facebook, right? Koi hai jo Facebook pe nahi hai? But the only thing Facebook will do, we'll come to that next, ki wo kya karega aapki zindagi ke sath. So diwar hai ghar mein, photo khech sakte ho? Okay, photo khecho, kamre mein lagao my future house, if you really want that. If that's what you really want. Similarly, अगर आपको मर्सिडीज चाहिए, किसी को मर्सिडीज चाहिए? Yes.
यस फोन में आता है एक दो तीन चार चार बैठे हैं मर्सिडीज वाले गो टू मर्सिडीज शोरूम है वो तो क्या बैठी है उसमें कभी मैंने खरीदी थी मजा नहीं आया honestly speaking Toyota is better but since you never tried it you don't know so go and sit in it try it out usko kaha mujhe chalana hai tum jaise khoobsurat ladkiyon ko sab kahenge haan didi sab chala lena no problem no problem so you have to go and try it you should go and tell them ki ji mujhe test drive pe le chale bhai no problem le jayega so go and do it what you can do You must do. Don't be embarrassed. There's no problem to be embarrassed. So, अब क्या करना है? Second चीज़ क्या करेंगे? Step two. चलाने के बाद. Thank you so much. Picture लेंगे इन बात लेकर. My future car. Right? और क्या-क्या dreams हैं? कोई dream लेके ही नहीं आया. जी. Public speaker. और कौन सी ड्रीम है और कोई किसी का ड्रीम वाला एक तुम्हारा ड्रीम था ना क्या ड्रीम है तुम्हारा वो टोपी वाला भाई आपको निकाल था मेरे पास मुझे नो मुझे आई नो व्हाट यू वांट टू डू विद योर लाइफ क्या करना चाहते हो ओके नहीं बता सकते व्हाई हाँ लड़कियों के अलावा ऐसी कौन चीज होती है So what's wrong with that? Why are you so scared of it? I just didn't want to share. Why? There is an answer to why. Because you don't know for sure that you want it. You think about it, you're not sure about it. Can you guys? So if you're not sure about it, what will happen? What's wrong with that? जब बच्चे छोटे होते हैं चार चार पांच पांच साल के होते हैं उनसे आप पूछे तो कहेंगे मुझे प्रेसिडेंट बनना है मुझे इंजीनियर बनना है मुझे डॉक्टर बनना है बड़े हो गए सारे टाइम गायब हो जाते हैं ये क्या चक्कर है सबको मालूम था सात साल की उम्र तक के क्या करना है अभी सबको जीवन नहीं मालूम क्या करना है इसको मालूम है खाली यहाँ खड़ा है उसका भी दिल धक 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 कर रहा है 2 मिनट इंट्रोडक्शन ऑफ यासू रिज़वी देयर यू गो उर्दू आई गेस यहाँ पे ज़्यादातर लोग तुम्हें जानते ही हैं माय नेम इज़ यासू रिज़वी एंड आई एम फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी अ बीएस ग्रेजुएट उर्दू में बोलूँ कोई बात नहीं मैं यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर में हूँ एंड आई एम डूइंग बीएस इन कॉमर्स और मेरा टारगेट ये है कि आई वॉन्ट टू बी अ पब्लिक स्पीकर एज वेल एज अ टीचर इन अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड ऑब्वियसली मेरा टारगेट है कराची यूनिवर्सिटी में इन माई ओन डिपार्टमेंट टू बी अ टीचर here as well as a public speaker to teach and train others thank you so much please have a seat last name kya tha dost Rizvi that's a great name by the way and you should keep it and do pursue what you know so my suggestion number 1 would be if you have a mobile phone can you take it up video call बीबी के हाथ करो और हम की तरह पॉइंट करें और आप सारे भी अपना मोबाइल निकाल लें एक दफा वापस आ जाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक मिनट के लिए बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं वीडियो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं जिनको मैं अपना खुसूसी तौर पे आइडियल मानता हूँ एंड मेरे लाइफ का टारगेट वन ऑफ द मेरे लाइफ का टारगेट ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी गुजारूँ जैसे उन्होंने गुजारी अल्लाह के हुक्म पे जैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी वैसी मैं ज़िंदगी गुजारूँ और हमारे लिए वो एक बेस्ट आइडियल पर्सन ही इज़ द आइडियल पर्सन जिनको जो है हम सबको फॉलो करें नॉट ओनली मी और मैं आप सबको भी यही कहूँगा कि आप सब भी कोशिश करें कि वो फॉलो करें जो उन्होंने हमें टीचिंग्स दी हैं जैसी लाइफ उन्होंने गुजारी है उनकी सुन्नत पे हम सबको अमल करना चाहिए थैंक यू अब ये सारे लोग से गुजारिश है कि YouTube पे डाल रहे हैं
और इनकी वॉल पे शेयर कर दें. सो नाउ व्हाट हीज जस्ट बिकम पब्लिक स्पीकर. नो ही इज अ पब्लिक स्पीकर नाउ. हाउ डिफिकल्ट वाज दैट? इट इज इन पब्लिक. अभी 50 लड़कियां यहां पे जब लगाएंगी कि याजूज माजूज कौन है, और याजूज माजूज देखना टाइटल है बाय, बिकॉज अगर आपने याजूज जो भी नाम था आपका लिखा या सुन लिखा तो क्या होगा कि पीपल वॉन्ट क्लिक ऑन द वीडियो. एंड अगर उसमें याजूज माजूज लिख दिया, याजूज माजूज इन कराची, इमेजिन हाउ मेनी पीपल विल वॉच इट, राइट? राइट और रॉन्ग? सो दिस इज मार्केटिंग, दिस इज सेलिंग. अंदर जाएगा तो याजूज माजूज तो निकला नहीं अंदर से. आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा डिस्क्रिप्शन इनका सही नाम लिखते हैं, इनका फेसबुक आईडी लिखते हैं, तो इनको ओवरनाइट बहुत सारी खवातीन ऐड कर लेंगी. बट ओवर द आइडिया इज के द प्रोडक्ट हैज टू बी मार्केटेबल एंड सेलेबल. ठीक है ना? अगर हम उस प्रोडक्ट को खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे, मैं अगर चड्डे में आ जाता या लुंगी में आ जाता तो प्रोडक्ट का इंप्रेशन खराब पड़ जाता. Even though I would be very comfortable in my lungi, but what will happen? You will not take me seriously. I'm guessing you will not take me seriously. Yeah, मैं दूध वाला बन के आ जाता तो. So, shall we go on to the next video? अच्छा खैर, एक और story है हमारे साथ. एक consultant काम करती है, Dr. Suzana. वो bus पे चढ़ गई और बस पे उन्होंने 3 मिनट की राइड करी. हम उनके पीछे पीछे कैमरे लेके जाते रहे. वो पीछे से बस पे चढ़ी और ऊपर जाके बैठ गई और खड़े होके यूं करना शुरू हो गए. नाउ वी वांटेड टू मेक अ सीरीज आउट ऑफ हर एंड सेइंग दैट दिस इज पाकिस्तान. सो सेम वीडियो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि दिस इज पाकिस्तान सीरीज में डालते हैं तो इंडियंस प्ले प्राउडली नहीं करेंगे शायद, जस्ट बिकॉज दिस इज पाकिस्तान. मे बी दे आर नॉट रियली क्यूरियस. However, if we take the same video, जैसे अभी आपने फिल्म देखी, एक आदमी था, उसने एक क्या बनाया था, जहाज बनाया from a two strokes engine से उसने जहाज बनाया. वो कहाँ से? कहीं से भी हो सकता था, कबाड़ी की वजह से. बट वो अफ्रीका से भी हो सकता था, अमेरिका से भी हो सकता था, ग्वाटेमाला से भी हो सकता था. Would it have been different कि वो कहाँ से? अगर इवेंचुअली वो पाकिस्तान, अगर एक प्रोग्राम होता था यू आस्क फॉर इट पुराना देखा और ओके प्लीज बिलीव इट नॉट. सो दे शो कंटेंट फ्रॉम एवरीवन. सो डज इट मैटर वेयर इट इज फ्रॉम? इट्स ह्यूमन थिंग, यू विल स्टिल फील ग्रेट. सो द आइडिया वाज कि इसको अगर हम ब्रांड इस तरह से करें कि अ गाय मेकिंग एन एरोप्लेन आउट ऑफ गार्बेज, सो दैट वीडियो वुड गो वायरल एनीवेयर इन द वर्ल्ड. Whereas right now it says a Pakistani guy making a plane, so they would think it's a drone or something, you know, negative in the mind. So marketing ke hisab se it would be better ki wo likhe a guy making an airplane from garbage. So that video will go crazy in India, in China, in the US, everywhere, and it's for subtitles. So the aakhir mein bolta main Peshawar Pakistan mein rehta hu, which would still market Pakistan. So you have to look at the angle of sellability. So, and emotions are great. I mean, this title is because of emotional value to us. But we are only 2.7% of the entire world, which is very small amount. Hum great ban sakte hain, but why do we have to be great? Why can't we just be human beings? Why can't we be equals to everyone? So, as humans, you're already great. So that's what I think. I mean, nothing wrong with being a Pakistani. You didn't choose to be a Pakistani, though. Except maybe somebody took an immigration here, which I doubt. But I know 3 Americans who are trying to get Pakistani passport for 10 years, and it's been difficult for them to do that because we don't have correct laws for that. हम अमेरिका को बुरा भला कहते हैं, हमारे अपने मुल्क में वीजा लेने के लिए 6 महीने लगते हैं.